नमस्कार, आपका मनु एकेडमी में स्वागत है। हम लोग जीपीएससी की जो नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और स्पेशली यहाँ पे जिन वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम मेंशन्ड है। डबल ए की वैकेंसी आई है फॉर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड सिविल के लिए। सिविल की तो उसके एक दूसरे डिपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा आने वाली थी पर पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई। मैकेनिकल की तो ऐसी कोई वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं थी कैलेंडर में पर आ गई, तो अच्छी बात है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा ही, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे ये पता है कि इस चैनल पे मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, काफ़ी सारे डिप्लोमा वाले भी होंगे, तो डिप्लोमा के लिए वो वैकेंसी है, वो इंजीनियरिंग के लिए भी है तो डिप्लोमा की हम बात करेंगे। थोड़ा सा उनके लिए लिमिटेड वैकेंसी होती है, पर अगर आपने बीटेक कर रखा है दैट्स मीन कि ग्रेजुएशन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि थोड़ा आप एडॉप्टेबल बनिए। आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम रिजिड सा कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बस इसी का पेपर दूंगा। मुझे पता है आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप नॉन टेक्निकल पढ़ ही रहे होगे। नॉन टेक्निकल हो सकता है थोड़ा वीक हो सकता है किसी का अच्छा हो। अगर आप नॉन टेक्निकल में थोड़े अच्छे हो तो मैं कहूँगा कि ये जो फॉर्म्स हैं ना जो ग्रेजुएशन बेसिस पे हैं इनको आप जरूर फिलअप करिएगा, मतलब फिलअप ही करिएगा, छोड़ना तो है ही नहीं, एग्ज़ाम देना ही है। उस बहाने आप थोड़ा नॉन टेक्निकल पढ़ोगे, हो सकता है पढ़ने के बाद आप में इंटरेस्ट आ जाए नॉन टेक्निकल के लिए और वो आपको आपके इंजीनियरिंग वाले तो सब्जेक्ट्स जो आते हैं उनमें भी 100 मार्क्स का होता है तो वो आपको फ़ायदा करेगा ही। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन डिमांड है, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन है, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, जैसे ये वाली वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी है। पैटर्न डेफिनेटली इनका अलग होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशनल होंगी या कुछ में किसी में कुछ कम होगा, पर होगा नॉन टेक्निकल टाइप का ही। तो नॉन टेक्निकल पढ़ जा लिए, 100 में 100 मार्क्स तो लाना नहीं होता है, या जितने का पेपर हो 300 का हो तो 300 तो लाना नहीं होता है, लाना 50-60% ही होता है। तो आप मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि रिजिड मत बनिएगा, थोड़ा एडॉप्टेबल बनिएगा और ये फॉर्म भरिएगा आप जरूर, एटलीस्ट फिलअप करिएगा और पढ़िएगा। हमारा डिटेल डिस्कशन ये जो पोस्ट है आपकी इसके बारे में होने वाली है और इसके बारे में होने वाली है। ये पोस्ट आप देख पाओगे, हालांकि ये एक ही है, इसके बारे में तो नहीं करेंगे। ये जो क्लास 3 वाली है ये मैकेनिकल की है, ये सिविल की है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करने वाले हैं जो आपको पोस्टर में नजर आ रहा था। क्वालिफिकेशन क्या डिमांड कर रखा है भाई इन्होंने, ऊपर वाले जो एक पोस्ट है उसके लिए तो ऑब्वियसली बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, पर ये जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है ना इसमें आप देखो बीटेक एंड ऑटोमोबाइल दोनों डिमांड कर रखा है इन्होंने, मैकेनिकल में, मतलब मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें बीटेक भी जनरली एलिजिबल होता है, श्योर तो मैं नहीं कहूँगा पर हाँ मतलब चांसेज है, क्योंकि जीपीएससी जो करवाती है इससे पहले भी जो एडिशनल इंजीनियर का उन्होंने करा रखा है उसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है और बीटेक भी एलिजिबल होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी एलिजिबल रहेगा डिप्लोमा और बीटेक दोनों, और सेम चीज़ इसमें भी होगा सिविल वाले केस में भी। मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल भी एलिजिबल है तो ऑटोमोबाइल के लिए तो वैसे भी कम चांसेज होते हैं तो आपको तो फिलअप करना ही चाहिए, और ऑटोमोबाइल के लिए तो ये सब भी मैंडेटरी फिलअप करना चाहिए भाई। आप बहुत ज़्यादा चूजू मत बनिए क्योंकि आपके लिए उतने ऑप्शन नहीं हैं, तो आप ये सब प्रिपरेशन तो करते ही रहिए, साथ में नॉन टेक्निकल पढ़ना ही है और मैं गारंटी देता हूँ एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। तो ये जो मैकेनिकल, ऑटो और सिविल की है वैकेंसी ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया ना, मेंशन कर रखा है कि इसी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। एग्जाम पैटर्न क्या है, ये टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, पर चूंकि जीपीएससी करा रही है जीपीएससी का एक फिक्स पैटर्न होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही होगा। सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूंगा। टारगेट स्कोर आप कहोगे भैया अभी एग्जाम नहीं हुआ, पेपर नहीं पता, बच्चे कौन कौन से भर रहे ये नहीं पता, फिर भी क्यों बता रहे हो, पर बता रहा हूँ अगर आप उतना स्कोर कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एक्सपीरियंस का यही तो फायदा होता है, जब आप किसी एग्जाम को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होते हो, बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होते हैं तो आपको इतना आइडिया होता है कि यही बच्चे हैं ना जो इससे पहले एग्जाम में अपियर हुए थे, यही वाले बच्चे इस एग्जाम में भी अपियर होने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, तो एक आइडिया रहता है कि कितने तक आप स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ये टेंटेटिव है पर आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। आपको 50 मार्क्स की गुजराती आएगी जिसमें आपसे काफी अच्छी उम्मीद किया जाता है, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इंग्लिश भी 50 मार्क्स की आएगी, जीके आपका 100 मार्क्स का रहेगा और आपका 200 मार्क्स का टेक्निकल वाला पोर्शन रहेगा। टोटल मिला के होता है आपका 400 मार्क्स, ठीक है।
400 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो बस 400 मतलब प्रीलिम एग्जाम देना है, उसके बाद सीधा कट ऑफ आएगा और आपके सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट भी आती है, वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होती है इसमें, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे भी आते हैं, उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वो चले जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होती है इसमें, ठीक है। पर वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना है, आपको सिलेक्शन वाली लिस्ट में जाना है। सिलेक्शन वाली लिस्ट में जाना है तो क्या टारगेट आपको रखना है, सिविल के लिए जो कट ऑफ नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला कट ऑफ सिविल के लिए कितना आपसे उम्मीद किया जाता है कि 40 नंबर आप गुजराती में ले आओगे, बड़ा मुश्किल नहीं है। बच्चों से जिनके कांटेक्ट में मैं रहता हूँ वो 40 से 45 के बीच में रहते हैं, कुछ बच्चे 45 भी क्रॉस कर जाते हैं। अब मैं गुजराती का टीचर तो नहीं हूँ, कैसे वो क्रॉस करते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैं उनसे पूछता हूँ, वो जनरली वही कहते हैं, सर प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, थोड़ा ग्रामर की बुक पढ़ ली, अक्षर पब्लिकेशन जनरली मैंने बच्चों से सुना है, एक दो और, वैसे पब्लिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, जो भी पब्लिकेशन आपको समझ में आ रहा है आप वो पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में चीजें जानी चाहिए, आप पढ़ सकते हो। टारगेट इसमें आपको सिविल वाले बच्चों को मैंने बोला है कि 40 के आसपास होना चाहिए। इंग्लिश में मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े वीक हैं और डिप्लोमा वाले भी हैं, मैकेनिकल जो बीटेक वाले होंगे वो तो थोड़ा कर ले जाएंगे, पर डिप्लोमा वालों को थोड़ा हाथ तंग रहता है, इसी वजह से थोड़ा कम टारगेट रखा हुआ है, पर 20 नंबर आप कर सकते हो, 50 में 20 नंबर बहुत मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा ग्रामर आपको पढ़ना है। कई सारे बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा करवाते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, पैटर्न पता चल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यही होना चाहिए और वही होता है, ठीक है। जीके में भी मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट दिया नहीं, 40% का टारगेट है, मुश्किल टारगेट नहीं है सिविल वालों के लिए, ये 40 नंबर आप ले आओगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टारगेट है, ये भी आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कहोगे, 200 में है ये, 140 मार्क्स, तो अगर आप यहाँ पे कम कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का हाथ इधर तंग होगा, अगर इधर तंग है तो इधर तो अच्छा रहना पड़ेगा, अगर दोनों साइड हाथ तंग है तो फिर सिलेक्शन कैसे डिजर्व कर सकते हो आप, कहीं तो अच्छा रहना पड़ेगा ना सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपसे 140 मार्क्स डिमांड किया जाता है, और ये सब मिलके आप 240 के आसपास पहुंच जाओगे। ये 240 को जितना प्लस करोगे उतना हार्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा भाई। इसके बीच में रहोगे तो ये ट्रांजिशन फेज है, अगर इससे पीछे जाते हो तो लिस्ट चांस है, जितना पीछे जाओगे उतना कम चांसेज है कि आपका सिलेक्शन होगा। ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ रखा गया है, बाकी कैटेगरी के लोग इससे 2-4-5 नंबर, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले 1-2 नंबर, ओबीसी वाले 1-2 नंबर, या मैक्सिमम 5 नंबर, मैक्स टू मैक्स, वैसे 5 नंबर का वेरिएशन आएगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, जब ज्यादा सीटें नहीं होती तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, कम सीटों में कम ही वेरिएशन आता है। और मतलब यहाँ पे 5 नंबर का वेरिएशन किसी में नहीं आएगा, किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, किसी में 1 नंबर आ जाए, किसी में 2 नंबर आ जाए, और किसी में 3 नंबर आ जाएगा। ये आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है, एससी में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, एसटी में 5-6 नंबर का वेरिएशन हम मान सकते हैं अगर सीटें एससी की रहती हैं तो, क्योंकि कम सीटें हैं तो एससी की भी ज्यादा सीटें की चांसेज नहीं है, ठीक है। 2-3 सीटें ही रहेंगी मोस्ट प्रोबेबली, 2 सीटें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, सिविल में थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का टारगेट थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर होने के 2 रीजन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एज कंपेरिजन टू सिविल ज्यादा है और नंबर ऑफ सीटें कम है, ठीक है। तो आपको टारगेट वही रखा गया है गुजराती में, 40 नंबर ही आप कर ले जाओगे, मुझे पता है आप पढ़ते हो, गुजराती आपको आती है। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको टारगेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर ज्यादा लाने हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, 30 मार्क्स इनको 20 दिया है, इनसे 10 नंबर ज्यादा करना है आपको इंग्लिश में। यहाँ पे भी आपको 50 नंबर तक स्कोर करना होगा, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा, अगर यहाँ पे 40 करते हो तो किसी में अच्छा करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपकी गुजराती बहुत अच्छी है, इसमें 45-46 ले आओगे तो यहाँ पे 4-5 नंबर कम कर सकते हो, ये अच्छा है इसमें और ज़्यादा ले आओगे तो यहाँ पे 2-4 नंबर कम कर सकते हो, वो आप एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे भी आपको 150 तक जाना पड़ेगा, ये सब ऐड कर देते हैं तो आप 270 के पास पहुँच जाओगे, जो कि मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि हो जाएगा। इससे जितना प्लस करोगे चांस या हार्ड प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगी। इस बीच में रहोगे तो ये ट्रांजिशन वाला है, इससे नीचे जाओगे तो लिस्ट प्रोबेबिलिटी वाले, ये सारे सेक्शन लिस्ट प्रोबेबिलिटी के हो जाएंगे, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अगेन ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नहीं भाई, टारगेट स्कोर है। कैटेगरी में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा,
इससे बल्कि कम ही आएगा, तो 1 से 2 नंबर आप मान सकते हो आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, 2 से 3 नंबर आप एससी में मान सकते हो, और 4 से 5 नंबर आप एसटी में मान सकते हो, क्योंकि एसटी की सीटें भी कम रहेंगी, अरे सॉरी एससी की सीटें भी कम रहेंगी, एसटी की थोड़ा एकाक ज्यादा होती है, यहाँ पे एससी का रिजर्वेशन ज्यादा है। तो ये आपका पूरा टारगेट रहा, इतना आपको अचीव करना है। अब आप कहोगे सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस सेम ही रहता है, सबको पता है, इसका भी मोस्ट प्रोबेबली सेम रहता है, जीके में भी अराउंड अराउंड सेम रहता है। इसमें वेरिएशन होता है क्या, अगर आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से हो तो जो AMBI RTO AMBI का सिलेबस है, RTO AMBI का सिलेबस है वो कर लीजिए, श्योर शॉट आपका हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें वही हैं, एकाध टॉपिक अलग है बस, ठीक है, मोस्ट वाले का टॉपिक अलग रहेंगे, बाकी सेम है। ऑटोमोबाइल का इसमें भी 2-3 टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका ऑटो एनाटॉमी आ जाएगी, आपका मेंटेनेंस आ जाएगा, वो सारी चीजें ऑटोमोबाइल की, यहाँ भी कैड कैम भी आएगा, आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है मोस्ट वाली वो भी आएगा। तो ये एकदम यही सिलेबस है, A to Z यही सिलेबस है, 200 मार्क्स का आएगा, वहां पे कम मार्क्स का आता है, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा, मतलब पर सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये वेरिएशन रहेगा, पर सब्जेक्ट यही है। सिविल का भी सेम है, आप जो AE के लिए पढ़ते हो वही पढ़ना है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लोअर हो जाएगा और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सिलेबस आएगा तो एक बार हम लोग और डिस्कशन इस पे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सिविल को मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, इस वजह से बहुत ज्यादा एडवाइस देने से बच रहा हूँ, पर मैकेनिकल को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैकेनिकल को एडवाइस देने का मतलब थोड़ा हक बनता है, अंदर से फीलिंग आती है कि दे सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली होता है। मुझे लगता नहीं कि अभी तक जो मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया होगा उसमें चेंजेज हुए होंगे, इवन दो जो ISHO की वैकेंसी थी उसको मैंने 6-7 महीने पहले बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही पता था, जो भी GPSC को फॉलो करता है उसके किस तरीके से उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, या फिर मान लो थोड़ा बहुत जो बच्चे वहाँ पे काम करते हैं उनसे बात हो जाती तो आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले से प्रिपेयर हो, थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे तो उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। तो इसके लिए क्या करें, इन दोनों के लिए तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, इसके लिए भी प्रीवियस ईयर ही मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, प्रीवियस ईयर लीजिए। युवा उपनिषद की एक बुक आई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उन्होंने उसमें टेक्निकल एग्जाम्स में जो नॉन टेक्निकल पूछे गए हैं उसको कंपाइल किया हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, मैंने देखा नहीं है, अब देख लेना सामने से उन्होंने सोल्यूशन में क्या कुछ दे रखा है कि केवल आंसर दे रखा है। अगर कोई ऐसी बुक आप जानते हो जिसमें थोड़ा सोल्यूशन या थोड़ा ब्रीफ डिटेल उस टॉपिक से रिलेटेड दे रखा है तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी है, नॉन टेक्निकल के लिए बुक्स के लिए आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेने और केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, एकदम से फ्रेशर हैं तो मैं आपको कहूंगा पहले टॉपिक पढ़िए फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, फिर टॉपिक पढ़िए फिर प्रीवियस ईयर, छोटा छोटा टारगेट बनाइए कि किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कोई चैप्टर लीजिए उसके सब टॉपिक 3-4 बना लीजिए और उसको पढ़िए फिर वो करिए, ठीक है। और इसका तो हम टेक्निकल करवा भी रहे हैं, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, अगर नहीं किया जो लोग ज्वाइन किए हैं आप निश्चिंत होकर जो करवाया गया है वो करते रहिए, वो आपका सब उसमें भी आ जाएगा, आपका RTO भी कवर कर लेगा, वो AE भी कवर कर लेगा, आपका ARTO भी कवर कर लेगा, सब कवर कर लेगा। और हम लोग उसमें प्रीवियस ईयर करवा के भी डालेंगे, अभी MCQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनके सोल्यूशन भी डालेंगे, वैसे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें तो नियर अबाउट सारे MCQs साथ में करवा देता हूँ, पर और भी जो टीचर हैं वो डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीन रहा, होप्स हो कि आप तैयारी करोगे। और कुछ लोग मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे बात कर अरे टेलीग्राम चैनल पे बात कर रहे थे कि यार वैकेंसी थी वो नहीं आई, ये नहीं आई, भाई आएगी यार आपकी वैकेंसी, कहाँ जाएगी, देखो ये अगस्त का है ना, अगस्त में अगर कोई वैकेंसी लैप्स हुई है तो वो सिविल वालों की हुई है, जो ये 100 वैकेंसी आने वाली थी वो हुई है, मैकेनिकल की कौन सी वैकेंसी इसमें दिखा रखी भैया जो नहीं आई है, सितंबर वाले कैलेंडर में है आपकी वैकेंसी नहीं आएगी तो अलग बात है, इसमें ये वाली है और ये वाली वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी एक पोस्ट और आई है, उसमें जो लोग मेंस की तैयारी इससे पहले कोई DE दिए हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये भी आएगी और वो भी है, तो हो सकता है कि चांस लग जाए, तो अगर आप DE की प्रिपरेशन इससे पहले किए हो तो कंटिन्यू करिएगा, छोड़ना नहीं है। होप सो कि हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल @ManuAcademy, अगर @ManuAcademy ऑफिशियल ये ग्रुप है दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो, नए हो तो पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर कोई बहुत स्पेसिफिक चीजें आपको जाननी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड आज तो 15 अगस्त है तो जय हिंद।